10 चीजें जो आप अपने वीकेंड पे कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर। नंबर 1, एक साइड प्रोजेक्ट पे काम करें। हम सब ने कोई ना कोई डोमेन खरीद के रखा है, हम सब वो नया लैंग्वेज, वो कोई दूसरा लैंग्वेज, वो दूसरा फ्रेमवर्क, वो दूसरा ऐप बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो यही टाइम है, वीकेंड के टाइम आराम से बैठिए, खूब सारे घंटे कोड कीजिए और एक साइड प्रोजेक्ट बना लीजिए। दूसरी चीज, एक टेक मीटअप। फिर से मैं कह रहा हूँ, टेक मीटअप अटेंड कीजिए। टेक मीटअप अटेंड करने के कई फायदे हैं। एक तो यार, आपने बहुत पूरे टाइम स्क्रीन देखा है, अभी आपको स्क्रीन देखने का मन नहीं है इस वीक, तो आप बाहर निकल आए, थोड़ा हवा खाएं, थोड़ा लोगों से मिलें। लोगों से जो मिलेंगे तो उससे आपकी नेटवर्क भी बन जाती है और लोग आपको जानने लगते हैं। और टेक मीटअप्स में जाते हैं आपको दो चार टॉक्स देखने मिलते हैं, टॉक्स में समझ में आता है कि अच्छा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नया डेप्थ है, क्या लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी आइडियाज, बहुत सारे लोग, थोड़ा सा आउटिंग, सब कुछ हो जाता है, एक कम्युनिटी की फीलिंग भी आ जाती है। तो टेक मीटअप अटेंड करना तो बहुत ही प्यारा यूज है वीकेंड का। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मीटअप वही अटेंड करना जो टेक वाला हो, मार्केटिंग वाला नहीं। ये वाला वीडियो जरूर देख लेना और गलत मीटअप मत चले जाना। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, टेक्निकल ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है, अपडेट तो हो जाते हो, छोटे छोटे 5-5 मिनट के चीजें होती हैं, रेडिट पे पढ़ सकते हैं, हैकर न्यूज पे पढ़ सकते हैं, मीडियम पे अभी उतना कुछ नहीं मिलता बट मीडियम भी अच्छा है, उस पे भी पढ़ सकते हैं। अपडेटेड हो जाओगे, क्या हो रहा है समझ में आएगा, लोग क्या केस स्टडीज ट्राई कर रहे हैं, क्या चीजें ट्राई कर रहे हैं। और बहुत सारा टाइम कमिटमेंट नहीं चाहिए, पूरा दिन नहीं निकल जाएगा मीटअप की तरह या साइड प्रोजेक्ट की तरह, पूरा वीकेंड नहीं निकल जाएगा, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ जाएगी, एक सेंस ऑफ अपडेशन आ जाएगा कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं, एक कोडिंग चैलेंज ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कई सारे हैं, कोड वार्स है, लीड कोड है, हैकर रैंक है। अगर डीएसए नहीं करते हो तो लीड कोड छोड़ दो, बाकी जगह तो आपको बहुत प्यारे प्यारे कोडिंग चैलेंजेस मिल जाते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट करते हो तो nodeschool.io बहुत मजेदार है। तो ये चैलेंजेस आप उठाकर थोड़ा ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और कुछ नहीं तो क्या होता है, एक डेक्सटेरिटी बढ़ जाती है आपको, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम करो उसमें कुछ नया सीखने मिल जाता है, फ्रेमवर्क में कुछ नया सीखने मिल जाता है। और बहुत सारे घंटे भी नहीं लगते हैं, कुछ आइडिया भी आया, कुछ सीखा भी, और सारा का सारा टाइम भी नहीं गया। तो कोडिंग चैलेंजेस भी एक बढ़िया चीज है वीकेंड पे करने के लिए। पांचवी चीज जो आपके रेज्यूमे के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छी हो सकती है और आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसको बताने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और रेडी हो जाओ इस अमेजिंग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीकेंड के प्लान्स बनाने के लिए। तो पांचवी चीज क्या है, पांचवी चीज है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। देखो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के लिए काफी सारा टाइम लगता है, तो एक वीकेंड शुरू करो, सोर्स कोड पढ़ना, समझना, डिबगर लगाना, टेस्ट केसेस पढ़ना, समझना। दूसरे वीकेंड जाओ, देखो कि अच्छा क्या क्या नए नए प्रॉब्लम्स इसमें खुले हुए हैं, नए नए प्रॉब्लम्स जो हैं आपके गुड फर्स्ट इश्यूज होते हैं जिसमें आप एज अ बिगिनर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एक गुड फर्स्ट इशू उठाओ, देखो कि क्या चल रहा है, क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, सोर्स कोड को कॉपी कर लिया है, अब उसमें कोड चेंजेस करके क्या मैं इसको रन कर पाऊंगा, इन चीजों को देखो। तीसरे वीकेंड आते आते आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना सीख जाओगे, कुछ नहीं तो टेस्ट को बेटर कर दो, टाइप्स को बेटर कर दो, उन चीजों से भी काफी लर्निंग हो जाती है। इतना सारा जो पिछले दो वीकेंड में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाया है, कोड पढ़ा है, कोड को समझा है, एपीआई को समझा है, इससे अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आपको उस एपीआई की समझ अच्छी हो गई, आपको अच्छे कोडिंग प्रैक्टिसेस देखने मिले, आपको बढ़िया टेस्ट्स पढ़ने मिले, आपकी ओवरऑल लर्निंग तो हो ही गई। और अगर आपका कंट्रीब्यूशन लैंड कर गया तब तो सुभान अल्लाह, काफी अच्छी चीज है आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी कि भाई मैंने जो कोड लिखा है हजारों लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, करोड़ों डेवलपर्स यूज कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। तो ओपन सोर्स वीकेंड पे करने के लिए बहुत प्यारी चीज है। इसमें एक और सेंस है, एक सेंस ऑफ गिव बैक है कि यार मैं इतने सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स यूज करता हूँ तो कुछ मैं भी ऐसा बनाऊं जो बाकी लोग यूज कर सके, या कुछ मैं भी ऐसा ऐड करूं वैल्यू जो बाकी लोग यूज कर सके। सिक्स चीज जो है वो आप एक ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा चीज है, लेकिन इसको कैसे इफेक्टिवली ले, कैसे इस वीकेंड को इंश्योर करें कि हम कोर्स पढ़े, सिर्फ पढ़े नहीं कुछ बनाए, सिर्फ बनाए नहीं कुछ समझे, कुछ सीखे, कुछ आगे बढ़े, उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैं यहाँ डाल देता हूँ, जरूर से देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन ये बहुत जरूरी कि जो आप कोर्स कर रहे हो उसके बारे में आप रिसर्च थोड़ा पहले से कर लो। ऐसा नहीं सैटरडे सुबह उठे यार क्या कोर्स करें, ये वाला कर लेते, अक्कड़ मक्कड़ इम्बी मुंडी माइनोमो ये वाला कोर्स हमें दे दो, ऐसा मत करना। कोर्स में जब टाइम स्पेंड करना ही है, कुछ नया चीज सीखना ही है, तो उसके लिए रिसर्च जरूर कर लेना कि कौन सा कोर्स मेरे लिए फायदेमंद होगा, इस चीज के लिए फायदेमंद होगा।
और वेबसाइट्स तो बहुत हैं, तुम्हें खुद ही पता है, कोर्सेरा है, उडेमी है, बहुत सारी चीजें हैं, जहां से मन करे पढ़ो, लेकिन अच्छे से रिसर्च करके पढ़ो। ये वीकेंड का बहुत बड़ा सदुपयोग होता है, क्योंकि इससे आपको एक नई चीज सीखने मिल जाती है जो आपको पहले नहीं आती हो। सेवेंथ है हैकाथॉन। देखो हैकाथॉन पे भी मैंने वीडियो बनाया, हैकाथॉन कैसे करना चाहिए, कैसे जीतना चाहिए, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो वीडियो भी देख लेना, यहाँ डाल देता हूँ। पर हैकाथॉन का यार अपना एक मजा है। हैकाथॉन में क्या होता है, खूब टायरिंग हो जाता है, खूब परेशानी हो जाती है, लेकिन उसका जो मजा आता है, उसका जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, उसका जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, और जिनके साथ आप हैकाथॉन करो उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, महीनों नहीं सालों की बॉन्डिंग रहती है। तो आई फील कि अगर आपको हैकाथॉन करने का मौका मिल रहा है, आपके पास एनर्जी है, तो आप जरूर से पार्टिसिपेट करो। वीकेंड्स तो यार हर साल 50 होते हैं, और 10 साल के करियर में ऐसे 500 वीकेंड्स आते हैं, तो ये मत सोचो कि यार पूरा वीकेंड निकल जाएगा, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के। मुझे तो जितने मिले मैंने पार्टिसिपेट किया और बहुत मजा आया। तो अगर ये मौका मिल रहा है तो बिल्कुल मत छोड़ना, किसी ना किसी वीकेंड हैकाथॉन जरूर कर लेना। एट है प्ले वीडियो गेम्स। जरूरी नहीं है कि सब कुछ कोडिंग के अराउंड ही किया जाए, वीडियो गेम खेलने का भी अपना मजा है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वीडियो गेम खेलने वालों को, आपस में बात करने के लिए कुछ मिल जाता है। और अगर आप वीडियो गेम नहीं खेलना चाहते तो कोई स्पोर्ट ही खेल लो, बाहर जाओ, दो चार लोगों को बुलाओ, बैडमिंटन खेल लो, उसमें भी अच्छी बॉन्डिंग होती है, थोड़ी स्विमिंग कर लो, तो कुछ खेलोगे, लोगों से मिलोगे, तो बिना टेक के भी कोई एक बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग हो जाती है और मन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। और इन सब में भी कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, वीडियो गेम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाते हो, बैडमिंटन में कोऑर्डिनेशन आता है, टीम वर्क आता है, स्ट्रेटजी आती है, तो बहुत सारी चीजें आप सीखते हो गेम्स के थ्रू भी। तो उसको भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लो, एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी की तरह लो, और फन तो फन है ही खेलने में। नाइन्थ है आप कोई टेक म्यूजियम या एग्जीबिशन जा सकते हो। अगर आपके शहर में कोई टेक के अराउंड कोई म्यूजियम है, कोई एग्जीबिशन लगा है, कोई कार्निवल चल रहा है, कुछ भी ऐसा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है बड़ा सा, कुछ भी ऐसा है, तो जाओ देखो कि लोग क्या लगा रहे हैं बूथ में, आखिर क्या क्या है आज के समय में टेक में चल रहा है, और उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर म्यूजियम जा रहे हो तो हिस्ट्री समझोगे, अगर कार्निवल जा रहे हो, अगर कॉन्फ्रेंस जा रहे हो तो समझोगे कि अप एंड कमिंग टेक क्या है। तो उसके भी अपने मजे हैं, बड़े शहरों में ये होता रहता है। जब ऐसा मौका मिले इसको बिल्कुल मत छोड़ना। याद रखना कि फिर से वही बात कि वीकेंड्स तो 500 आएंगे, ऐसे मौके कम मिलते हैं, तो इन मौकों को हाथ से मत जाने देना वीकेंड पे। लास्ट और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आखिरी के लिए बचा के रखा था, अपना पोर्टफोलियो बना लो। अगर पोर्टफोलियो नहीं भी है तो अपना एक पर्सनल वेबसाइट बना लेना, एक myname.com, myname.co, ऐसा कोई भी एक डोमेन खरीद के उस पर अपने थोड़े ब्लॉग्स, थोड़ा अपने बारे में डाल देना हमेशा अच्छा होता है। उसके बाद जब आपको कोई भी थॉट आएगा, आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, आप एक ओपन सोर्स करोगे, आप एक कोर्स पढ़ोगे, आप जो भी करोगे, आप उस जर्नी को वहाँ डॉक्यूमेंट करते जा सकते हो। और ये जो जर्नी, ये जो आपकी पोर्टफोलियो बन रही है, जो ब्लॉग्स हो रहे हैं, जो कोड आप डाल रहे हो, इससे इंप्लॉयर को इन फ्यूचर, आज नहीं, देखो ये इन्वेस्टमेंट की तरह है, आज थोड़े थोड़े SIP करोगे तो एक दिन बड़ा माल वापस मिलेगा। इसी तरह हर वीकेंड अगर इनमें से थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज करोगे, उसको डॉक्यूमेंट करके अपने पोर्टफोलियो में डालोगे, एक दिन आपके रिक्रूटर को आसानी होगी आपको हायर करने में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट तो होनी ही चाहिए, भले अपने डोमेन पे ना हो ना सही, लेकिन एक पोर्टफोलियो वेबसाइट तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। इनमें से तुम कौन से एक्टिविटी को ट्राई करने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हो वो मुझे कमेंट में बताओ। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैप्पी कोडिंग। एक प्रोग्रामर की लाइफ कभी डल नहीं होती है, ये बात तो तुम समझ ही गए होगे।